Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. सो वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग हैं क्वींसटाउन में। जैसे कि कल आपको पता चल गया, पीछे का व्यू देखो, एकदम मस्त व्यू है। रात भर में व्यू देख रहा था, इतना मस्त लग रहा था ना रात को, मैं क्या बताऊं। लाइक कुछ फोटोग्राफ्स मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं, अगर नहीं के तो करने वाला हूँ, तो वहाँ जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको शो हो रहा होगा। कम बैक। सो राइट नाउ वी आर एट क्वींसटाउन। यहाँ पे बहुत ही मस्त जगह है यार, रात को एकदम मस्त नज़ारे थे। मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मस्त नज़ारे थे रात को यहाँ पे। अभी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही है एज यू कैन सी। तो अभी हम लोग लाइक सिटी का टूर करने वाले। कल हम गए थे लाइक थोड़ी देर के लिए गए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं गए थे, और थोड़ा थक वक गए थे। 6 से 7 घंटे का ड्राइव था जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा। और अभी लाइक थोड़ा सिटी विटी घूमने का प्लान है। धूप तेज़ हो गई थोड़ी, बट वेदर सारा साफ और एकदम क्लियर है। जैसे ही उठते हो ना, एकदम फिल्मी टाइप का व्यू सामने जाके, लाइक इतनी सीनिक ब्यूटी, इतना बढ़िया लैंडस्केप कहीं नहीं मिलता। टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो आपने देखी होगी, उसकी शूटिंग क्वींसटाउन में ही हुई है। बहुत सारी जो उसके शॉट्स हैं वो यहीं पे कवर किए गए हैं। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन जो हैं, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि उसकी शूटिंग यहीं हुई है क्वींसटाउन में। हम हैं क्वींसटाउन, मतलब टाउन के अंदर, बेसिकली सिटी या टाउन क्वींसटाउन में सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर। और यहाँ पे बड़े सारे लाइक जो क्राउड क्राइस्ट चर्च में नहीं था, वो क्राउड सारा का सारा यहाँ पे आके बैठा हुआ है। मतलब मेरा ध्यान इसलिए भटक रहा है आसपास, क्योंकि बहुत कुछ देखने के लिए जा रही है हमारी क्रू की गाड़ी 52 नंबर वाली। और ये आसपास सारे भरे पड़े हैं, एक्चुअली पीछे ज़्यादा भरा था। पार्किंग लगा के हम लोग पैदल घूमने आएंगे, कुछ ऐसी स्कीम है। और सुबह सुबह उठ के जो व्यू था ना, अरे है मज़ा आ गया, आत्मा को तृप्ति मिल गई, ऐसा लगा जीवन सफल हो गया। अब तो तिलक देखो आप, जहाँ हम 2 दिन के लिए रहने आए हैं वो किसी का घर है। मतलब वो रोज़ वहाँ रहते हैं, लाइक यू नो, जैसे लोग सपना सोचते हैं ना कि ऐसा घर हम लेंगे, वो उस घर में पहले से ही रह रहे हैं। और ये देखिए पीछे, पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो चुकी है, यहाँ पार्किंग ही नहीं है, मतलब सारा कुछ फुल है। एक तो हम आए भी थोड़ा लेट हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, लोग पहले से आए कितने दिन से, एक बार गाड़ी लगा दी अब हिला भी नहीं रहे। सो गाइस फाइनली पार्किंग की जगह मिल गई है, आधे घंटे के लिए मिली है, बट देखते हैं थोड़े ज़्यादा टाइम टिक जाए तो अच्छी बात है यू नो इंडियन स्टाइल में। और पीछे लाइक बीच है एंड पैरासीलिंग वगैरह हो रही है। और ये कुछ आसपास, हमारे आसपास बहुत सस्ते सस्ते से शोरूम है, कुछ है ना, सस्ते शोरूम है ना, है ना पीछे एलवी का शोरूम है, इसलिए कह रहे हैं सस्ते शोरूम, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली। सो दैट्स बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती होगी और क्या होगा, अपनी बेइज्जती करते हैं, सही बात है। देख क्या है, तुम जितना गरीब अपने आप को बताओगे ना, उतने तुम्हें स्पॉन्सर्स मिलते हैं, दैट्स द ट्रिक। सो अभी हम हैं कहाँ पे, वाओ क्वींसटाउन में है, मुझे पता है। तो अभी हम थे मतलब क्वींसटाउन में है, बट लाइक अभी हम सी वाली, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है बहुत सारी, लाइक पीछे देख रहे हो इधर भी है, पीछे पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे। तो माय गॉड ऊपर देखो पैराग्लाइडिंग, सो यहाँ पैराग्लाइडिंग वगैरह भी हो रही है, पीछे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। ऑलमोस्ट $100 है एक एक्टिविटी का, तो कॉस्टली है मतलब। ओके सो गाइस राइट नाउ वी आर एट कहाँ पे हम, मिशी का टाउन, वी आर एट टाउन। हाँ ये देखो कितने अच्छे, कितने शेज, वेरी क्यूट। ओह थैंक यू, डन डन, थैंक यू वेरी मच। मैं
California and we're in Queenstown and town. Amazing, bye. देखो यहाँ के बच्चे क्या पढ़-पढ़ अंग्रेजी बोलते हैं. तो अभी हम पीछे वाली दुकान में थे, आइसक्रीम खा रहे थे. लाइक बहुत मस्त आइसक्रीम थी. और मैं फेक प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खाई नहीं है. शी इज हैविंग आइसक्रीम, आई एम नॉट. बाय. अच्छी होगी यार. कितने कितने? हाउ मच? दो. ओके. कुछ था प्राइस लाइक ऑलमोस्ट $10 होगा, मुझे आइडिया नहीं. तूने नहीं आइसक्रीम खाई? नहीं नहीं यार. बर्थडे गर्ल? बर्थडे हो गया मेरा. हो गया बर्थडे? नहीं नहीं, तो मेरे लिए बर्थडे. तो ऐसी मस्त उपलक्ष्य पे एक शायरी याद आ रही है. क्या है, कौन सी शायरी है? हाँ, नजरें बदली, नज़ारे बदली, कश्ती बदली, किनारे बदले, आगे पता नहीं क्या बदले, भूल गया. आगे बना कुछ नहीं, बस इतनी आती शायरी से ज़्यादा नहीं है. इतने में इतना इंच मिलेगा. गाइस अभी हम लोग लाइक पानी के पास हैं. यहाँ पे क्रूज आते हैं क्या? Yeah. यहाँ पे yeah. Yeah. वहाँ से क्रूज आते हैं. वहाँ पे लाइक जो बड़े बड़े क्रूज हैं आप लोगों ने देखे होंगे. और यहाँ पे भी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं. पीछे LV के शोरूम में घुसे हुए हैं लोग. इंडियंस LV के शोरूम की छाया में खड़े हुए हैं एक्चुअली. बेसिकली बड़े लोग हैं, छाया भी LV के शोरूम की ले रहे हैं. और वहाँ पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्की वगैरह सब होता है. और पार्टी वार्टी के लिए जैसे गोवा में क्रूजेज होते हैं वैसे यहाँ पे. यहाँ थोड़ा क्वालिटी अच्छा है, वहाँ थोड़ा क्वालिटी बेकार सा है. तो इसलिए लोग बैठे हुए हैं लाइक काफ़ी सारे, तो इसलिए मैं ज़्यादा शॉट नहीं ले रहा. यू नो, थोड़ा खुले विचारों वाले लोग हैं यहाँ पे. प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे खेल रहे हैं सामने. देखो, से हाय. वहाँ पे लाइक पैरासेलिंग वगैरह हो रही है. अगर मैं जूम करूं तो दिख रहा होगा लाइक बीच बीच में बर्ड वगैरह भी घूम रहे हैं. और अगर मैं लेफ्ट साइड पैन करूं तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं. एंड ऊपर वहाँ पे गंडोला है और वहाँ से फिर वो सारे पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं. जैसा कि दिख रहा होगा तो वो सामने गंडोला है. गंडोला के वहाँ से पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है. एंड अगर वापस आएँ लेफ्ट हैंड साइड पर तो यहाँ तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, थोड़ी पार्टी बोट्स हैं. एंड देन यहाँ पे सारे लोग चिल मार रहे हैं. सो यूनिक चीज़ ये है कि जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है वहाँ पे यूजुअली वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते. जहाँ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे पैराग्लाइडिंग लाइक पहाड़ वहाड़ नहीं होते. सो क्वींसटाउन इकलौती जगह है जहाँ पे पहाड़ भी है और साथ में लाइक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है. तो यही यूनिक चीज़ है जो इंडिया में नहीं है किसी जगह पे. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि नहीं है. और पीछे जनता इंतजार करती है, उनके साथ जाते हैं, थोड़ा कंपनी वंपनी देते हैं. फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो गाइस लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो आपने देखी होगी उसकी शूटिंग क्वींसटाउन में हुई है. बहुत सारी जो उसके शॉट्स हैं वो यहीं पर कवर किए गए हैं. तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन जो हैं इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि उसकी शूटिंग यहीं हुई है क्वींसटाउन में. सो गाइस राइट नाउ मैं हूँ लाइक कहाँ पे हूँ, विल्सन पता नहीं कहाँ पे, वहाँ पे आया हूँ लाइक. और पीछे का नज़ारा खतरनाक है. वहाँ पे पीछे फोटो शूट चल रहा है. यहाँ पे पीछे सारी लेक है. वैसे समंदर सा लग रहा है बट लेक है, तो लेक ही बोल रहा हूँ. हवा बहुत तेज़ चल रही है, शांति बहुत ज़्यादा है और मज़े भी बहुत ज़्यादा है इसमें. इसलिए बाकी अभी हम क्वींसटाउन में थे, बहुत रश है, तो शाम को वहाँ जाएंगे. लाइक थोड़ा अच्छा माहौल होगा, वाइब्स अच्छी आ रही थी. और यहाँ पे एक डॉगी, दूध का डॉगी. अभी हम लोग हैं रास्ते में, बीच में यहाँ से व्यू बहुत ही मस्त आता है, तो इसलिए अभी हम इस तरफ हैं. एंड मच विंड, बहुत ज़्यादा हवा. अरे वाह, उड़ गया माइक ही, उड़ जाएगा मुझे तो लग रहा है. हमने देखा एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा
यार उसने बलून से क्या बना दिया यार, वाह, पपी, ड्रैगन और पता नहीं क्या क्या, यूनिकॉर्न वगैरह बहुत कुछ बना रखा और बच्चा तो खुश हो गया यार। बाकी मैंने कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाए हैं, लाइक आपको पता चल गया होगा लाइक कितना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है यार। और ऐसे ऐसे बंदे यार सच में टैलेंट जैसा भी हो, टैलेंट टैलेंट ही होता है, लाइक आप चाहे बलून से करो चाहे जैसे मर्जी करो, हमसे तो ढंग का बलून नहीं फुलाया जाता है ना। इसने बर्थडे के बलून फुलाए थे, कितने फुलाए थे, 30 बलून्स, और इसकी हालत पतली होगी थी सोचो। टैलेंट, रिस्पेक्ट। 12 o'clock midnight.